नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जवानी में ही क्यों बूढ़े दिखने लगे हैं यंग लोग। आज हमारे जवान लोग यानी कि यंग जनरेशन के लोग अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखने लगे हैं। यहाँ तक कि इन जनरेशन के लोगों में कई घातक बीमारियाँ हो रही हैं जो उनके माता पिता में नहीं है। आखिर क्या है इसका कारण? यंग जनरेशन के लोग शारीरिक रूप से तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं। यह बात रिसर्च से पता चल रही है कि वे अपनी माँ के साथ कहीं जाते हैं तो लोग उनकी माँ को उनकी बहन समझ बैठते हैं। साल 1980 से 1995 ईस्वी तक पैदा होने वाले अभी के युवा से ज़्यादा जवान दिखते हैं। इतना ही नहीं, चिंता की बात यह है कि युवा अभी से कैंसर जैसी घातक बीमारी के भी शिकार हो रहे हैं, जबकि उनकी उम्र फिलहाल महज 20 से 30 सालों के बीच है। हाल ही में इंटरनेशनल जर्नल में यह दावा किया गया है कि युवाओं में कैंसर के मामले बढ़े हैं, खासकर लंग्स कैंसर, पेट का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर। आखिर इन सब की बड़ी वजह क्या है? रिसर्च में पाया गया है कि आज के युवाओं में डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रग्स की आदत के कारण जवानी में ही ब्रेस्ट कैंसर, यूटराइन कैंसर का खतरा बढ़ गया है। जिन लड़कियों में पीरियड पहले आ जाता है उनको मोटापा और दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ा है। वहीं रिसर्च में यह भी पाया गया है कि खून के आकार में भी परिवर्तन हो रहा है और लीवर से जो प्रोटीन बन रहा है उनकी संरचना भी अलग तरह की हो रही है। अमेरिकी सर्जन विवेक मूर्ति ने कहा है कि अगर आप लगातार अकेलापन महसूस करते हैं तो इससे आपके शरीर को 15 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान होगा। वहीं जो लोग सामाजिक रूप से अलग थलग रहते हैं उनमें समय से पहले मौत का जोखिम 32% तक ज़्यादा रहता है। 5 बुरी आदतें यदि आप बदल लें तो समय से पहले उम्र का बढ़ना को हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले शराब ना पिएं, शराब स्किन को डैमेज करती है। दूसरा, कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहने से स्किन डल होती जाती है। कम से कम सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले अपने समय को कम करें, क्योंकि हम कंप्यूटर लैपटॉप में काम करना बंद नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारी आमदनी का काम का स्रोत है। पानी की कमी न रखें, अर्थात पानी पर्याप्त पिएं। पर्याप्त पानी न पीने से थकान, कब्ज, अपच, बार बार बीमार होना जैसी कई समस्याएं होती हैं। पानी की कमी से हमारे चेहरे पर ड्राइनेस, झुर्रियाँ और डार्क सर्कल जैसी समस्याएं होती हैं। चौथा, चीनी का कम प्रयोग करें, स्किन को टाइट और मोटा तथा जवान बनाए रखने के लिए जिम्मेवार कोलेजन और इलास्टीन को चीनी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए चीनी कम मात्रा में प्रयोग करें ताकि शरीर की नेचुरल सेल रिपेयरिंग प्रोसेस में रुकावट पैदा ना हो। पांचवा, स्मोकिंग ना करें, उसे तौबा करें। तंबाकू में कई विषाक्त पदार्थ होते हैं जो त्वचा में मौजूद ऑक्सीजन और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को कम कर देते हैं। धूम्रपान से हमारी त्वचा की नई कोशिकाओं को उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो उसमें कमी आती है और इसलिए हम समय से पहले बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद में हमारा शरीर कोशिकाओं की मरम्मत करता है और एनर्जी को रिस्टोर करता है। इसलिए पर्याप्त नींद ना लेने से न सिर्फ शरीर बल्कि हमारी त्वचा पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सही लाइफस्टाइल बनाइए, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, नियमित वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट आदि का सेवन कम से कम करें। रोजाना भोजन का आधा हिस्सा हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों से पूरा करें। तनाव न लें, पर्याप्त नींद लें और शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि से दूर रहें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज के बारे में। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। दो दवाई अगर 3 से 6 माह अगर
यंग लोग जो कि समय से पहले मुरझा गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उन्हें दिया जाए तो वो वापस पहले जैसी स्थिति में आ सकते हैं। तो दोस्तों दवाई का नाम नोट कर लेते हैं। पहली दवाई का नाम है एसिड फ्लोर 30 पावर, इसे फ्लोरिक एसिड भी कहते हैं। डॉक्टर रेकवे कंपनी की ये दवाई आप घर ले आइए और दो बूंद सुबह दोपहर शाम तीन बार सीधे जीभ में या फिर आधा चम्मच पानी में इसे पिएं, लगातार 3 से 6 माह पिएं। दवाई नंबर 2 जॉन यंग ड्रॉप्स, डॉक्टर जॉन्स कंपनी का यह ड्रॉप जॉन यंग ड्रॉप्स 15 बूंद सुबह दोपहर शाम 1/4 कप पानी में डालकर लगातार पिएं। यदि इन दोनों दवाइयों को 3 से 6 माह का नियमित सेवन लेते हैं तो जो युवा समय से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं वो वापस से उनका स्किन सही हो जाएगा और शरीर में सुधार आ जाएगा और वो पहले की तरह दिखने लगेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।